आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है आज मेरे पाप ये देखो और पापा एक बहुत ही डिफरेंट रेसिपी बनाने वाले क्या बनाने वाले पापा बनेगा चना दाल और अंडा डाल के ये चना दाल और अंडा डाल के ये एक नई रेसिपी होने वाली है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है हम भी टेस्ट करेंगे ठीक है चलो अभी स्टार्ट करते हैं रेसिपियाँ सो अभी ऑयल गरम हो चुका है आई थिंक थोड़ा और होगा ना पापा उसके बाद इसमें डालेंगे जीरा 200 इयर्स लेटर हाँ हो गया आई थिंक गरम ओ ये इसमें गया जीरा जीरा हो चुका है अभी इसमें सबसे पहले डालने वाले हैं क्या डालने वाले पापा प्याज ये देखो गाइस वाव प्याज और मिर्ची एक साथ लहसुन भी डाल सकते हैं लहसुन अदरक एक साथ बोले तो पापा की मस्त रेसिपी कितना सही दिख रहा है हाँ मैं करती हूँ हाँ तो गैस का फ्लेम कम कर दिया और अभी हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे अभी कितने मिनट भुनना है पापा सो अभी इसको भुनते भुनते हो गए 5 मिनट अभी और आई थिंक 5 मिनट भुनेगा है ना पापा हाँ पूरा लाल हो जाएगा उसके बाद टमाटर डालना है बहुत ही प्यार से बनाना है और जब तक पापा वो फ्राई कर रहे थे तब तक मैंने ये 4 अंडों को ऐसे मिक्स कर लिया है ताकि ये डालने में बहुत ही इजी हो जाए हाँ हो चुका है रेड हो चुका है ऐसे तो ऐसे आपकी रेसिपी है हो गया है हो चुका है 2 सेकंड और वेट करते हैं फिर इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर और सबसे टफ है इसमें एग ऐड करना क्योंकि उसको ऐसे फटाफट से मिलाना पड़ेगा है ना पापा कैसा लग रहा है पापा इतने सालों बाद कुकिंग करके बोलिए बोलिए हाँ लेकिन ठीक है कर रहे हैं बनाने के लिए हाँ मस्त बनेगा इतने प्यार से बना रहे वो दिख ही रहा है मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ ना खाने के लिए आई कांट वेट और टमाटर डाल रहे हैं ये फाइनली इसमें ऐड हो गया टमाटर सो टेस्टी और यहाँ पे दाल भी रेडी है सो अब फाइनली मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज हम इसमें ऐड करने वाले हैं एग चलिए पापा जय माता दी रेडी ये मिक्स इट सुपर डिलिशियस ये भुन के पूरा रेडी हो चुका है अब हम इसमें ऐड करेंगे क्या ऐड करेंगे पापा दाल डालना है और उसको मिक्स करना है चना दाल और पानी बचेगा सो अब इसे 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ना है बॉईल होने के लिए फिर हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता और फिर मैं आपको दिखाऊंगी प्लेटिंग करके सो पापा कैसा लगा कुकिंग करके बहुत बढ़िया लगा ना था तो भी नहीं थी चुर के दे दो ठीक है बाद में हाँ एक चम्मच घी ठीक है मिला देना है ठीक है 2 इलायची उसमें मिक्स करना है और 1 चम्मच घी गरम करके दाल में डालना है ओके डन शेफ पीएन सिंह 3, 2, 1 स्टार्ट तो तुम बताओ नानू कैसे बनाना है कैसा लगा 9/10 जेके यू से 8.7 and 9 well done papa very good